पानी आपके जीवन का एक ऐसा आधार है जिसके बिना जीवन जीना संभव ही नहीं। अगर पानी ना हो तो आप जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे बड़े हमेशा हमसे कहते हैं कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतने ही स्वस्थ रहोगे। ये बात सही तो है कि पानी पीना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि कितनी मात्रा में। अगर एक स्वस्थ इंसान भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिए तो वो अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है, इसलिए पानी का सेवन सीमित मात्रा में करना ज़रूरी होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में, जहां हम हमेशा आपको किडनी से जुड़े रोग और उसके आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी देते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताते हैं कि किडनी रोगी को कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। ऐसे ही आज हम एक ज़रूरी विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि किडनी के मरीजों को कितना पानी पीना चाहिए। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं किडनी के मरीजों को कितना पानी पीना चाहिए और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि एक स्वस्थ इंसान कितनी मात्रा में पानी पी सकता है। अगर बात किडनी के मरीजों की करें तो किडनी के मरीजों को पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर लिक्विड लेना चाहिए। लिक्विड इसलिए कहा कि यदि किसी किडनी के मरीज को डॉक्टर चाय पीना अलाउ करें तो उसको पानी, चाय या कोई भी लिक्विड, इन सभी को मिलाकर कुछ 1 से 1.5 लीटर ही लेना है, इससे अधिक बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा जिन्हें किडनी में स्टोन की दिक्कत हो तो उन्हें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे अधिक पानी का सेवन किडनी स्टोन के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर बात स्वस्थ इंसान की करें तो उन्हें भी 4 से 5 लीटर पानी पूरे दिन भर में काफ़ी होता है। इससे अधिक पानी का सेवन उनकी किडनी में स्वेलिंग कर सकता है, इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए या आपकी किडनी खराबी का कारण बन सकता है। तो ये हैं कुछ ज़रूरी जानकारी किडनी के मरीजों को कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मायुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक पेशेंट, जानेंगे उनसे, परिचय लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी और कैसे कैसे उनको आराम हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि कुमार नाम है। आप ये जी कहाँ के रहने वाले? धनबाद जी। जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको रवि? सर जब आए थे उसमें सर स्वेलिंग था पैरों में और सर हीमोग्लोबिन की पूरा कमी हो रही थी। तो सर हम पहले एलोपैथिक की दवाई जब कर रहे थे तो उन लोगों ने सर रेफर कर दिया था मुझे बाहर कि आपका हीमोग्लोबिन का बहुत कमी हो गया तो कहीं बाहर में जाके बायोस्कोपी वगैरह करवा लें। तो सर हम आपके यहाँ का बारे में जानते हैं, आपके यहाँ आए तो सर हम 1 महीना आपका दवाई खाएं तो मेरा 9 से हीमोग्लोबिन बढ़ के 13 हो गया। अच्छा जी सर। वेरी गुड। हाँ बताओ और क्या क्या दिक्कत आ रही थी पहले? और सर रात को नींद नहीं आती थी, बैचमेंट कर रहा था बिकॉज है। अब नॉर्मल अपना नींद आ रही है प्रॉपर आपको? जी सर। उस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जी ठीक है। और प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा जा रहा था पहले आपका? हाँ सर, प्रोटीन पहले ज़्यादा जा रहा था। पहले मेरा 4 पॉइंट कुछ प्रोटीन पर ग्राम पर डे जा रहा था, फिर मैंने एलोपैथिक में ट्रीटमेंट करवाया था, थोड़ा रिड्यूस हुआ था, फिर अचानक से बढ़ गया। जब बढ़ गया तो लोगों ने सर बोला बाहर आप कहीं कर लो कुछ, है ना, आपका तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो फिर सर आपके यहाँ हमने दिखाया तो अभी प्रोटीन में काफ़ी सुधार है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है और बहुत अच्छे चेंजेस भी नज़र आए हैं। आप देख सकते हैं तो इनका हीमोग्लोबिन कम होता चला जा रहा था, बायोप्सी का एडवाइस कर दिया था 19 दिसंबर 2019, प्रोटीन जो था इनका 3+ की रेंज में था, 300 mg/d। ये इन्होंने बोकारो से टेस्ट कराया गया, डॉक्टर लाल पैतला बोकारो, 19/12 3+ की रेंज में क्रिएटिनिन चला गया था। और अब ये एक और टेस्ट करा के लाए हैं, बोकारो से ही है, लाल पैतला से ही कराया है, 17 फरवरी 2020 में, इसमें जो क्रिएटिनिन इनका जो प्रोटीन है वो 1+ हो चुका, 30 हो चुका है, यानी कि पहले जो था वो 3+ था, 300 mg के आसपास प्रोटीन जा रहा था, अब जो है वो 1+ हो गया, 30 mg हो गया, 90% इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, 300 mg से 30 mg पहुंच गया है प्रोटीन, 90% डिक्लाइन हो चुका है। लक्की आप फॉलो करेंगे, सब चीजें उन्होंने फॉलो करी, जैसे जैसे बताया गया उनको रिजल्ट भी नजर आए। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।